सभी को नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और ये सबसे बड़ा आदेश इसको कहा जाएगा, क्योंकि जो सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश होता है दोस्तों, बड़ा ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल 4620-04 भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2023 में अपडेट। और अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन शासन के समस्त विभाग मंत्रालय भोपाल एक रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में बैठक होनी है दोस्तों, कि आखिरकार जो रिक्त पद हैं उनको भरना कैसे है। आपको बताना चाहते हैं, उपरोक्त विषय अंतर्गत 1,00,000 रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में उनके प्रतिकक्ष बल्लभ भवन क्रमांक 2 कक्ष क्रमांक 408 में समय सारणी संलग्न अनुसार बैठक आयोजित की गई है। बैठक में 1,00,000 पदों के संबंध में की गई कार्रवाई एवं कार्रवाई की जानकारी पोर्टल पर दर्ज किए जाने के संबंध में समीक्षा की जाएगी। आयोजित बैठक में समीक्षा के बिंदु निम्न अनुसार है। नंबर 1, पोर्टल के प्रपत्र 2 में आपके विभाग में संबंध समस्त निगम मंडल कंपनी अर्धशासकीय संस्था एवं अन्य संस्था की जानकारी दर्ज होने के आशय का एक पत्र, जिसमें विभाग से संबंधित समस्त निगम मंडल कंपनी अर्धशासकीय संस्था एवं अन्य संस्था के पूर्ण नामों का उल्लेख हो। यहाँ पर जो ऐसे वर्ग जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, जो अर्धशासकीय हैं यानी आधी सरकारी आधी प्राइवेट, उनके कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। दूसरा है, पोर्टल के प्रपत्र 6 में दिनांक 15 अगस्त 2022 के उपरांत आपके विभाग अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों निगम मंडल अशासकीय संस्थानों आदि में की गई समस्त प्रकार की नियुक्तियां, जैसे सीधी भर्ती, विकलांग, वॉक इन, इंटरव्यू, विशेष पिछड़ी जनजाति द्वारा पदों की पूर्ति, संविदा, आउटसोर्स एवं अन्य प्रकार से की गई समस्त नियुक्तियों की जानकारी दर्ज किया जाना है। तीसरा है, पोर्टल के प्रपत्र 7 में वितरण से शेष रहे नियुक्ति पत्रों के वितरण की कार्रवाई पूर्ण करते हुए जानकारी पोर्टल पर अद्यतन की जाना है। चौथा है, पोर्टल के प्रपत्र 8 में दिव्यांग जन में जानकारी दर्ज किया जाना है। कृपया उपरोक्त प्रपत्र 2, 6, 7 एवं 8 की जानकारी दर्ज अद्यतन संशोधित करते हुए जानकारी पेन ड्राइव मंगल फॉन्ट में उपलब्ध कराते हुए नोडल अधिकारी उप सचिव स्तर से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। समय सारिणी, गिरीश शर्मा, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग। इसमें दोस्तों गिरे से गिरे कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की जानकारी इसमें भी इसका नाम नहीं है। आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ देना ही नहीं चाहते, ये तो क्लियर हो गया है। क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ, जो भी अपडेट आता है, जो भी आदेश निकलता है, उसमें अतिथि शिक्षकों की बात नहीं की जाती। अब इन्होंने अर्धशासकीय जो कार्यालय हैं उनके कैंडिडेटों की जानकारी मांगी है, लेकिन मध्य प्रदेश के खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों की जानकारी क्या कुछ नहीं हो रहा है और ना ही उनकी बात की जा रही है दोस्तों। बाकी आप सब बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।